मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं बात करना है। मैं बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हटो यहाँ से। लिसन लिसन लिसन, आप गलत, अरे आप गलत, मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं बात करना। आप गलत समझ रहे हो, मेरे को भाई मान सकते हो। लिसन लिसन प्लीज प्लीज यार, मत रो प्लीज, सुनिए ना, आप मेरे को भाई मान सकते हो, ठीक है? और जो प्रॉब्लम है मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपकी। सोची नहीं, मुझे यही काम नहीं करना है, मैं यही करूंगी, कुछ भी करूंगी, नमक रोटी खाऊंगी, लेकिन यही काम करूंगी। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सब गाइस? आज हम लोग बहुत दिनों बाद फोटो शूट के लिए निकले हुए थे और कुछ शूट का मैटर था, तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो हम लोग को एक लड़की दिखी जो कि शायद जोमेटो का ड्रेस पहने। पहले एक बार कैमरा दिखा दो, ठीक है? ले आओ इधर ले आओ गाइस, वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत रो रही है आई थिंक, ठीक है? और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने कैमरा पहले लगा दिया कि क्या गलत है कैसे मेरे को नहीं पता है। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है, और फिर वीडियो देखो क्या होता है, वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। हेलो, कौन? क्या आप कुछ सैड लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो लिसन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे पहले आप दो मिनट बात सुन तो सुन लो। अरे मुझे नहीं बात करना, जाओ तुम यहाँ से, हटो। एक मिनट बात सुन लो आप। अरे मुझे, अरे नहीं, मैं बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं बात करना है, मैं बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हटो यहाँ से। लिसन लिसन लिसन, आप गलत, अरे आप गलत, मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं आप बात गलत करना। समझ रहे हो, मैं आपको छेड़ना है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपने मार लिया, आपको जो सही लगे। लिसन आप रो रही हो, आप सैड लग रहे हो, डिप्रेस लग रहे हो, आप एक लड़की हो, ठीक है? इतनी रात को आप डिप्रेस लग रही हो। अरे जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करना है। क्या बात करना है, बोलो। ड्रेस पहने क्या प्रॉब्लम है, आप बता सकते हो? कुछ नहीं, मैं, अरे यार मुझे, ठीक है मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। आप अगर मुझे गलत समझ रहे हो तो मैं बता दूँ। देखो आप वहाँ देख लो, पहले हमने वहाँ कैमरा लगा रखा है, ठीक है? अरे तुम क्यों कर रहे हो यार ये सब, मुझे, मैं पहले से बहुत प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। एक मिनट, मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? आप मेरी बात सुन लो, रोने से तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेरी बात सुन लो, मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? वहाँ मैंने कैमरा लगा रखा है। प्लीज उसको बंद करवाओ यार। मैं बंद करवा देता हूँ, पहले आपको क्या प्रॉब्लम है आप पूरे अच्छे से बोलो। आप बहुत वो लग रहे हो, डिप्रेशन। हाँ मैं हूँ, मुझे काफी प्रॉब्लम है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। एक मिनट, पानी दीजिए, पानी पानी। आप पहले पानी पियो, आप पहले पानी पियो। आप इतनी रात को इतना मेहनत कर रहे हो, क्या दिक्कत हो गया? लीजिए दे, हाँ देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले तो अपने मुझे गलत समझा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप खुल के अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? जितना हो पाएगा, क्योंकि एक लड़की होते हुए एक जोमेटो में वर्क करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप क्यों कर रहे हो ये? एक्चुअली मेरे पापा बहुत टाइम पहले डेथ कर गए थे, उनको कैंसर हो गया था। वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से वो डेथ कर गए थे, और मेरी मम्मा मेरे घर पर अकेले रहती है। मेरी फैमिली में कोई काम करने वाला नहीं है, मैं बाहर आकर के काम कर पा रही हूँ। मैं बहुत जगह काम करने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं हो पाया, तो लास्ट में मुझे जोमेटो में काम करना पड़ रहा है। तो मतलब आप पहले रो रो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए यार। आप लिसन लिसन, अच्छा आपका नाम क्या हुआ? नेहा, नेहा नाम है मेरा। नेहा, तो आप मतलब सिर्फ आपने जोमेटो ही चूज़ क्यों किया, आपको और कोई जॉब नहीं मिला क्या? एक्चुअली बहुत जगह अप्लाई करने के बाद भी मुझे हर जगह जॉब नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, पर किन्हीं को ये समझ में नहीं आता कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी। लास्ट में मुझे जोमेटो में काम तो करना पड़ा। मतलब वेल एजुकेटेड तो ना, आपको लग रही हो कि आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो। हाँ मैंने, मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया, मैंने पीजी भी कम्प्लीट कर रखा है, बट यार पहले आप रोना बंद करो प्लीज, पहले आप पानी पियो। आप पता है आप अपने आप को पूरा, आप टूट चुकी हो अंदर से, आप प्लीज पहले रोना, पानी पीजिए आप। देखो नेहा, आप मेरे को डरने कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं आ गया हूँ, आप मेरे को भाई मान सकते हो। लिसन लिसन प्लीज प्लीज यार, मत रो प्लीज, सुनिए ना,
आपको तो भाई मान सकते हो, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपकी, सारी आप पहले इसको खोल दो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आप खुल के बोलो, ठीक है, और जो दिक्कत आ रहा है मैं सॉल्व करूँगा, प्लीज़ ट्रस्ट करो आप लोग। मुझे इस इवेंटों में काम कर रही हूँ मैं, इसलिए इसमें मैं इसलिए काम कर रही हूँ ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। इस दुनिया में कोई अपने पैरों पे लड़कियों कोई कुछ समझता ही नहीं है, कोई को अपने पैरों पे खड़े होने देना ही नहीं चाहता है। इस दुनिया में लोग जिस्म के भूखे हो गए भाई, पता है तुम्हें, इस दुनिया में लोग सब सिर्फ जिस्म के भूखे हैं, और मैं अपने जिस्म का सौदा नहीं करना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं जोमेटो में काम कर रही हूँ। मतलब इस लाइन के आगे मुझे कुछ बोलना, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। वही चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सोची नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मैं यही करूँगी, कुछ भी करूँगी, नमक रोटी खाऊंगी, लेकिन यही काम करूँगी, क्योंकि मुझे अपने चीज़ का सौदा नहीं करना यार। हो गया, ठीक है, कंट्रोल, खुद को आप कंट्रोल कीजिए, रोक के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, हर एक चीज़ मैं देखूँगा, ठीक है, आपको जॉब चाहिए ना, ठीक है, मैं दिलवाऊँगा जॉब, मैं आपको जॉब की बात करता हूँ, ठीक है, आप मतलब फ़ोन वगैरह रखते हो ना? फ़ोन खोलना आप एक मिनट। नेहा, चेक करना कुछ मैसेज गया है। ये एक्चुअली कुछ पैसे हैं, ठीक है। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे, मैं काम listen, करके listen, अपने listen, काम listen, को listen, listen, कर सकती हूँ। बहुत कम पैसे हैं, ओनली 10,000 है, ठीक है, मेरे पास अभी इतने ही थे, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे रख लो, और अभी मैं मुझे जितना हेल्प हो पाएगा मैं हमेशा करूँगा, ठीक है, तो प्लीज़, और कभी रोना मत, प्लीज़, एक भाई है आपका पटना में, ठीक है, कोई दिक्कत हो, कभी कोई दिक्कत हो उसे बोलना, ठीक है, और प्लीज़ ऐसे डिप्रेस मत रहना, ठीक है, ठीक है, सोचने से डरने से कुछ नहीं होता है, एक लड़की हो के इतना अच्छा वर्क कर रही हो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एंड जो भी लोग कुछ बोले हैं उनके लिए सॉरी, और आप पब्लिक को कुछ बोलना चाहते हो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना? नहीं। तो कुछ आप बोलना चाहते हो तो बोल दो। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बात बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं वर्क कर रही हूँ, शायद ये एक वर्क कोई और भी लड़कियाँ कहीं और से कर रही हो, लेकिन वो मजबूरी में अपने जिस्म का सौदा कर रही हो, तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग ऐसा मत करना कभी भी किसी लड़कियों के साथ में, क्योंकि पता नहीं उसके लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, कहाँ से वो किस तरीके से वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रही है, बट प्लीज़ तुम लोग ऐसा मत करना, जहाँ तक हो सके लड़कियों का हेल्प करो, इस तरीके से मत करना, कभी भी लड़कियों का यूज़ नहीं करो, क्योंकि आपके भी घर में कोई माँ कोई बहन है, सो प्लीज़ मैं बस इतना ही बोलूं। यार गाइस, जब लड़कियों के सर से पिता का सहारा उठ जाता है ना, तो बहुत बहुत अजीब होता है, और आज नेहा को देख के मैं कोई बहुत अजीब फीलिंग आई, एक लड़कियों के जोमेटो में वर्क करना, इतना हार्ड वर्किंग करना, और आपने साइकिल भी ले रखा है, आपको आती है साइकिल करने? हाँ, आते हैं। ओ भाई, मतलब इतना हार्ड वर्किंग, सैल्यूट है आपको, लेकिन कभी कोई दिक्कत हो, कभी कोई दिक्कत हो, एक भाई को कॉल कर लेना, ठीक है, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच ये चीज़ मेरे को दिखाने के लिए, ठीक है, और थैंक यू सो मच। चलिए, आप किधर रहते हो अभी? चलिए पहले किधर रहते हो आप? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, रहने दो। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं भाई, मैं चली जाऊंगी, रात काफ़ी हो गया, तुम भी घर चले जाओ, ठीक है भाई? अच्छे से आप जाइए, ठीक है, आप मेरे को कॉल करना कभी। एक सेकंड, मेरा नंबर आपके पास है? नहीं नहीं, वेट, ये मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है, मैं आपको मिल जाऊँगा कभी भी। अच्छे से जाइएगा, ठीक है? हाँ, और कभी ऐसा सैड नहीं हो रहा है, कभी डिप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है?